ये देखो अभी देखो कैसा लग रहा है अभी। मैं भी देखूंगा अगर गुड मॉर्निंग। सो कैसे आप सब लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज मैं सुबह सुबह उठ गई, मतलब मैं 5 बजे उठ गई थी, और मैं 5 बजे उठ के नहा के नाश्ता नाश्ता करके मैं हल्द्वानी भी पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि आज तकी आ रहा था तो हल्द्वानी आ रहा था, तो मैं उसके साथ आ गई। फूफा जी छोड़ के गए हम लोगों को, और देख सकते हैं आज का मौसम काफ़ी अच्छी धूप है और बिल्कुल बारिश नहीं है। और गाइस बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, देखो मेरी आँखें भी खुल रही है अच्छी से। और आज मेरी दोस्त की है इंगेजमेंट, तो मैं उसकी वजह से भी आज हल्द्वानी आई थी। तो सुबह सुबह फूफा जी और लक्की आए थे, तो मैंने बोला मैं भी चली जाती हूँ। और गाइस मैं भी जाऊँगी अपनी दोस्त के घर में, लक्की थोड़ा सा काम कर रहा है नीचे, उसके बाद एक बार मैं आपको बाहर का मौसम, मतलब हल्द्वानी का मौसम दिखा देती हूँ बैक साइड से। सो गाइस देखो सुबह का मौसम है कुछ ऐसा, अभी बज रहा है 7:30, और वहाँ पर हो रही है स्कूल के बच्चों की प्रार्थना प्रेयर हो रही है, और ये है MBBJ कॉलेज, और ये है दुर्गा सिटी सेंटर, और मैं इसके सबसे लास्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ। ये कौन सा फ्लोर है मुझे भी नहीं पता, शायद 5वां या 6वां है, आप देख सकते हैं इधर का माहौल। सो गाइस आप लक्की को देख सकते हैं, फुल टीका इका चरका के आया आज, दिखाओ ऊपर को फेस अपना देख सकते हैं। तो सुबह सुबह उठ के अच्छा अच्छा जैसा भी लग रहा है, लेकिन आँखें नहीं खुल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब हम लेट ही उठते हैं वैसे भी पता ही हुआ। तो गाइस मैं पता है कौन से फ्लोर पे खड़ी हूँ, जहाँ से सीढ़ियाँ भी बंद हो चुकी है, देखो यहाँ से कोई फ्लोर नहीं है, और इधर बहुत ज़्यादा गंदगी है। ADC का PG है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, इधर भी साइड साइड में बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, बट कोई नहीं हम क्या कर सकते हैं। और गाइस मैं अब चलती हूँ मतलब दोस्त के घर, और मैं आपको वहीं जाके मिलूँगी, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ईसु को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में। अभी आप इसको देख सकते हो, अभी अभी का लुक देखो, और बाद का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार देख तो देख, ये देखो अभी देखो, और बाद में भी देखा, और मेरे को पता है इसने इतना सामान पकड़ा रखा है, देखो ये देखो, और उसको थोड़ा मैं फीलिंग लेने दे रही हूँ दुल्हन वाली जैसी, तो मैं ही लेके जा रही हूँ। तो गाइस अब पार्लर में जाके मिलते हैं जब ये ब्यूटीफुल बन जाएगी, उसके बाद तब तक आप देखते रहिए हमारा व्लॉग, बाय। गाइस मैं कब का रेडी हो चुकी थी, और महारानी अभी तक रेडी नहीं हुई है। और गाइस एक खबर दूंगी मैं आपको, कि आप कभी भी आपकी दोस्त की शादी होगी तो उसके साथ आप बिल्कुल भी पार्लर मत आइएगा, क्योंकि बहुत बोरियत होती है, और 10 घंटे लगते हैं तैयार होने में। मेरे को तो नींद भी आ रही है, तब से मैं बैठी ही हूँ, 1 से 1.5 घंटा हो गया, तो प्लीज़ आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और ये है ईशी, और ये लोग जाम में गिर गई थी अभी, अगर मैं थक गई थी आगे। तो गाइस चलते हैं अंदर, मैं आपको आगे को पैक करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप इसी को, इसको एक बार पलट सकती हैं आप प्लीज, ये देखो कैमरा वाला आया, आया आया, टेंशन मत ले कैमरे वाला आ जाएगा। बड़ा दुख है इसको कैमरे का, उसका ही सबसे पहले कॉल आया था कैमरे वाले का। तू सुन ना, ओए ईसु ईसु थोड़ा शर्माओ, थोड़ा शर्माओ, थोड़ा अच्छी से चलो। ओहो गेट भी खुल रहा है।
अच्छा लग रहा है उसे। ये है गाइस रेस्टोरेंट। गाइस ये हमारे भिंजू, भिंजू बनाओ वही तो पहले ब्लॉग फिर आप ना। तू नहीं खाएगी? आज भी खाना छोड़ दिया गाइस, थोड़ा सा तो खा ले, नहीं बहेगा मेकअप। गाइस यहाँ पे हो रही है गणेश पूजा की तैयारी। ये है पंडित जी, ये है ईशु की मम्मी, इधर किया है कुछ ऐसा डेकोरेशन। यहाँ पे को लगी है ईशु और जीजू की फोटो तो दिख नहीं रही है। कुंभ राशि क्या नाम है उसका? गोविंद सिंह वर्मस्य अश्विन कलेगा। मकर मकर राशि जितेंद्र बालकस्य धनु राशि कन्यायाः अश्विन कलेगा भावना कन्यायाः माता पिता धनु राशि मातु देव्यायाः तथा च सकुटुंब सपरिवार सर्वे पारिवारिक जनानां सर्वे मित्र बंधु बांधवानां दे दीजिए भैया, दे दीजिए, मैं भी देखूंगा। मैं अभी साड़ी ना बोल के आप चिट भी आ रहा है, चिट बस नई साड़ी है। Thank you.
क्या यार भाभी तुम्हें मांग भर रही हो, जल्दी आने वाला है टाइम। जोर जोर से मारो, जीतते रहना जीतते रहना। टीका लग गया मुझे, वो भी बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत परिश्रम करना पड़ा, बट लिफाफा नहीं मिला, बट लिफाफा नहीं मिला, सो सैड। मंत्र भी तो पढ़ो, ओम बम बम। मेरे को भी आसो फिर मिली गया का, बस लिफाफा ही नहीं मिला है और सब कुछ मिल गया। बस लिफाफा नहीं मिला और सब कुछ मिल गया। मेरे को खिलाओ बल। मुस्कान आ रही है, देख रही है। होगी इंगेजमेंट, चुपचाप से कूड़ा उठा। एक बज गया, हाँ एक और बज गया, हाँ पोज भी दे अब। हाँ वही, उधर पानी है, पानी है। खाना पीना सारा हो गया है और अब चलते हैं घर को, और सब लोग आगे खड़े हैं, और मैं जैसे अभी निकली तो मैं आपको और लोगों को दिखाती हूँ। सब सामान ले आगे, तुम केक भी लाने बाद में लेंगे। लुक देख सकते हैं आप, मैंने फिर से चेंज कर दिया है कपड़े, और अब चलते हैं हम मिशु के घर, फिर मेरे को जाना है पंत वगैरह, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए गाइस, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं बैठी थी नीचे, और दुल्हन को देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? दुल्हन की शक्ल में बज गए 12 तो भी बजे नहीं है, 4 बजे गया। हाँ आपको कैसा लग रहा है अभी, कैसा जैसे चिता रहे हैं आप अपनी इंगेजमेंट से? मेरे पास सोना आ गया थोड़ा ज्यादा, अचानक के बाद सोना आ गया, इसलिए आपको सो रखी है। और भाभी आप बताओ? मुझे कुछ नहीं बताना, सोना है ना, ऐसा मन कर रहा है सोना है। तो गाइस अभी मेरे को पंत नगर जाना है, तो गाइस व्लॉग की एंडिंग कर देते हैं और ये करेंगे एंडिंग। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के साथ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।